मोदी राज में चाय मिली है, ठूस ठूस के पी। नर्मदे हर क्या हो रहा भैया? ये डोरी चरखे पे चल रहे, पतंग की डोरी। गुजरात में संक्रांति के समय 14 और 15 तारीख में आसमान में इतनी पतंग उड़ती हैं कि चारों तरफ पतंग ही पतंग हो जाती हैं। हर साल पतंग की डोरी से कई लोगों की मौत होती है। उस डोरी से बचने के लिए दो दिन के लिए गुजरात में इस प्रकार से वायर लगाना पड़ते हैं बाइक में, पतंग की डोरी से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, जिला भरूच, गुजरात। यहाँ पर हमें भाईजान मिले, इनका ये टाल है और यहाँ एमपी से काफ़ी ज़्यादा सस्ती लकड़ी मिलती है। भाईजान नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है अब्दुल अजीज़ अब्दुल करीम वाड़ी वाला। भाईजान यहाँ कितना अंतर है रेट में लकड़ी में? यहाँ लकड़ी या गुजरात में सस्ता है, जो बिल्डिंग विल्डिंग तोड़ते नहीं उसका ये माल निकलता है, उसमें से हम ये बाड़ी दरवाज़ा सब बनाते हैं। तो यहाँ ये जो बना हुआ फर्नीचर है काफ़ी सस्ते दाम में यहाँ से मिलता है। दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, जिला भरूच, गुजरात। भाईजान आपका एक फ़ोन नंबर और बताइए ना। 9427145131 94-271-4531। भाईजान और कुछ सुनाइए। राम राज में चने मिले थे, किशन राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, ठूस ठूस के पी। और एक साहब है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या बात। 3/12/2017 में जब दिग्विजय सिंह जी पैदल परिक्रमा में थे तो उन्होंने भाईजान से मुलाकात की थी। नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग हम भरूच पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हमको साजिद भाई मिल गए हैं। साजिद भाई। हाँ। कहाँ रहते हैं? भरूच। क्या करते हैं आप? यही पहले प्लास्टिक का करते थे, अभी ये रेडीमेड का चालू किया है। अच्छा, कब से? ये लगभग एक महीना जैसा होना है। कहाँ से माल लेते हैं? ये कमीशन का है। कमीशन का है? हाँ। कहाँ कहाँ जाते हैं भैया? यही कुकरवाड़ा, मतलब सब पूरा अब वीक का यानी कि बांधा हुआ है। शनिचर को कुकरवाड़ा जाने का, फिर मंगलवार को जयगाम जाने का, ऐसा सब पूरा वीक बांधा हुआ है। अच्छा, कितना परसेंट मिलता है इस पे? इसमें मेरे को कमीशन पे मतलब 100 रुपये के पीछे 20 रुपये देता है। अच्छा, प्लास्टिक का काम क्यों बंद किया भैया? वो 18% GST आने की वजह से यानी कि माल बहुत महंगा हो गया, 5-10 रुपये वाली वस्तु तो बिल्कुल ही बंद हो गई। अच्छा। इसीलिए हाँ, इसीलिए वो और थोड़ा
कर्जे में भी डूब गए थे, इसलिए वो धंधा बंद करके ये कर...